नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड 2005 यानी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके ए प्लस ग्रेड लेके आनी है। देखिए, मैं ये जो वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें 2022 में जो पेपर आया था इस सब्जेक्ट कोड का, उसमें जो यूनिट 4 है जो है सेंट्रोइड एंड सीजी यानी कि केंद्रक एवं गुरुत्व केंद्र, इसके जितने भी क्वेश्चन थे उस पेपर में वो सारे सॉल्व किए जा रहे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे जो मैंने सॉल्व किए हैं तो आपका बहुत, केवल ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसके पीछे की जो छोटी बड़ी बातें हैं वो भी सब समझा जाएंगी, आपका बेस क्लियर होगा। हम एग्जाम के क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, जो पेपर में क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां था, 2022 के पेपर में क्वेश्चन पहले का 7वां। अगर आप पहले का 7वां देखेंगे तो ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये वाला, किसी चतुर्थ वृत्त में इन एक क्वार्टर सर्कल समकोण पर स्थित त्रिज्याएं सममित अक्ष होती हैं। द रेडियस एट राइट एंगल आर सिमेट्रिकल एक्सिस, कोई सममित अक्ष नहीं होती है, देयर इज नो सिमेट्रिकल एक्सिस, तीन सममित अक्ष होती है, देयर आर थ्री सिमेट्रिक एक्सिस और समकोण पर स्थित त्रिज्याओं के मध्य में स्थित रेखा सममित अक्ष होती है। द मिड लाइन बिटवीन द राइट एंगल ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल एक्सिस। हमें इन चार में से एक ऑप्शन जो सही है उसको टिक करना है। ये चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, मैंने सही ऑप्शन टिक कर दिया, डी है। यानी किसी क्वार्टर सर्कल में जो समकोण पर स्थित त्रिज्याएं होती हैं उसको जो बाइसेक्ट करती है, उनके बीच की कोण का जो आधा करती रेखा वही सममित अक्ष होती है। इसको मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर से चित्र बना के आप देखिएगा। देखिए, ये है क्वार्टर सर्कल चतुर्थ वृत्त, पूरा वृत्त जो होता है ना तो एंगल कितना होता है 360 डिग्री, ये चौथा ही वृत्त है सर्कल का 25%, तो बोलते हैं इसको क्वार्टर सर्कल। ये कोण कितना होता है 90 डिग्री का। अब आप इमेजिन कीजिए ऐसी कोई लाइन जो इसकी सममिति रेखा हो, यानी इस फिगर को दो एकदम सिमेट्रिक पोर्शन में डिवाइड करती है। तो ये देखिए, आप मैंने पेन को इस प्रकार से रखा है इसको, ये कि आप लाइन देख रहे हैं, इस पेन को एक लाइन मान लो, तो इस लाइन के इधर और उधर बिल्कुल सिमेट्री है। तो ये लाइन कौन सी है, बाइसेक्टर। जैसे देखिएगा, ये सर्कल का सेंटर है तो क्वार्टर सर्कल का सेंटर यही होगा। ये एक रेडियस है, ये दूसरी रेडियस है क्वार्टर सर्कल की, 90 डिग्री के बीच का एंगल है। तो ये जो लाइन होगी इनकी बाइसेक्ट करने वाली, ये वाली, दिस लाइन विल बी लाइन ऑफ सिमेट्री, इसे कहते हैं सममिति रेखा। ये कौन सी लाइन हुई जो इन दो रेडियस के बीच का अर्धक है, यानी कि बाइसेक्टर है। इसका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ये समकोण पर स्थित त्रिज्याओं के मध्य में स्थित रेखा सममिति अक्ष होती है। द मिड लाइन बिटवीन द रेडियस एट राइट एंगल इज सिमेट्रिक एक्सिस। सिमेट्रिक एक्सिस कह दो, सिमेट्रिक लाइन कह दो, कुछ भी कह दो। अब ये जरूरी है, क्या यहाँ एक बात अपन समझ लेते हैं कि क्या किसी फिगर के अंदर सममिति रेखा हमेशा होती ही है क्या? इट इज नॉट कंपल्सरी।
समिति अक्ष होना हमेशा जरूरी नहीं है, कभी नहीं भी होती है और कभी होती भी है। अगर दो सिमेट्रिक एक्सिस मिल जाएं, इफ देर आर टू सिमेट्रिक एक्सिस, तो डेफिनेटली वो दोनों सिमेट्रिक एक्सिस जहां मिलती है वही सीजी होगी। जैसे देखिएगा, मैं ये कुछ बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सवाल तो अपना हो गया, कुछ बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। जैसे एक सर्कल है, इसमें कितनी सिमेट्रिक एक्सिस होंगी? इनफाइनाइट। अरे भाई, आप सर्कल के सेंटर से जितनी चाहे रेखाएं बना लो, सेंटर से पास होने वाली जितनी चाहे, हर एक डायमीटर बनेगा, हर एक डायमीटर है। तो ये इस पॉइंट से पास होता है ना, बस ये इसकी सीजी है सर्कल की। अब मान लो कोई सेमी सर्कल है, आधा वृत्त है इस प्रकार का, ये सेमी सर्कल, तो इसमें तो लाइन ऑफ सिमेट्री केवल एक ही होगी, वो कौन सी? ये एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है, दो एक्स ऑफ सिमेट्री है, दो ये वाली, ये वाले, क्योंकि इसके इधर और इधर सेम है बिल्कुल। तो कितनी हुई इसके अंदर? एक हुई। इसमें भी कितनी हुई थी? एक हुई थी। ऐसे कई हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए आई सेक्शन है, ये इस प्रकार का कोई, मान लो ये आपको मिल रहा है कोई आई सेक्शन, ये देखिएगा, इसमें आप देखेंगे दो सिमेट्रिक एक्सिस है, एक तो ये वाली, आप देखेंगे ध्यान से ये वाली, अगर मैं ऐसी लाइन खींचूं तो इसके दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसा है, और चूंकि ऊपर नीचे सेम है तो एक सेंटर ये वाली, ये भी सिमेट्रिक एक्सिस है क्योंकि इसके ऊपर नीचे एक जैसा है, और चूंकि हमको दो सिमेट्रिक एक्सिस मिल गए तो वो दोनों जहां मिलती है वो उसकी सीजी बन जाती है, ये आई सेक्शन की सीजी बन गई। अब मान लो कोई टी सेक्शन है इस तरह का, देखिए आप, इसमें देखो ये जो पेन रखा हुआ है ये सिमेट्रिक एक्सिस है क्योंकि इसके अबाउट ये फिगर सिमेट्रिकल है, इसके लेफ्ट राइट, लेकिन दूसरी कोई सिमेट्रिक एक्सिस आपको नहीं मिलेगी, दूसरी सिमेट्रिक एक्सिस नहीं मिलेगी क्योंकि ऐसी कोई लाइन नहीं है इस प्रकार की जिसके ऊपर नीचे सेम हो फिगर, तो लेकिन एक्सिस तो होगी, वो सिमेट्रिक एक्सिस नहीं होगी। अब सीजी कहाँ होती है? सीजी होती है हमेशा सिमेट्रिक एक्सिस पर, ये सिमेट्रिक एक्सिस है, यहां सीजी हो जाएगी। मान लीजिए कोई एंगल सेक्शन है इस तरह का, इसमें तो कोई भी सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है, ऐसी कोई लाइन अपन नहीं सोच सकते जिसके ऊपर नीचे एक जैसा हो, ना कोई ऐसी सोच सकते हैं, लेकिन हाँ ये लाइन जो है हमने बनाई है, जैसे मान लीजिए ये कुल डिस्टेंस 100 mm है, तो इस लाइन की दूरी यहां से कितनी होगी? 100 के आधा कितना होता है? 50 से भी कम होगी क्योंकि ये वाला लेफ्ट पोर्शन भारी है इसका, तो ये एक लाइन बनेगी, और एक इधर अगर बनाए वो लाइन ये बनेगी। जैसे मान लीजिए इसकी लेंथ मान लीजिए 150 mm है, अब चूंकि नीचे पोर्शन हैवी है, इसके नीचे वाला पोर्शन हैवी है, तो सीजी कुछ नीचे शिफ्ट हो जाएगी। अगर ये 150 है तो 150 आधा कितना होता है? 75, तो 75 से कुछ कम नीचे गया, ये दोनों जहां मिलती है वो सीजी बन जाए। हालांकि ये रेखा जो बनाई हुई सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है, हम इसे कहेंगे एक्स एक्सिस, इसे कहेंगे वाई एक्सिस, ये दोनों जहां मिलती है वो उसकी सीजी हो जाती है। लेकिन इस बार कोई सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है, हम बार बार जो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि सिमेट्रिक, तो सार क्या है, व्हाट इज कंक्लूजन, कि इफ देयर इज एनी सिमेट्रिक एक्सिस सीजी विल लाई ऑन दैट एक्सिस, इफ देयर आर टू सिमेट्रिक एक्सिस द लाइन द सीजी विल बी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सिमेट्रिक एक्सिस, अदरवाइज आपको इस प्रकार से लोकेट करनी पड़ेगी जैसे आपको मैंने करके बताया है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया।
दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक नंबर का था, ये भी एक नंबर का है। डी व्यास वाले तथा एच ऊंचाई के ठोस वृत्तीय समशंकु के गुरुत्व केंद्र की आधार वृत्त से ऊंचाई होती है। सॉलिड सर्कुलर कोन हैज डायमीटर डी एंड हाइट एच। द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस कोन फ्रॉम सर्कुलर बेस इज। देखिएगा आंसर इसका आएगा एच बाई फोर। मैं समझाता हूं इसका मीनिंग क्या है। देखिएगा एक तो होता है ट्राइंगल, एक होता है कोन। दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं एक कागज के ऊपर, जैसे ये एक ट्राइंगल है। और अगर हम बात करें कोन की तो ये कोन है, लेकिन कोन में क्या होता है, ये सॉलिड है। कोन होता है सॉलिड ठोस और ये होता है प्लेन, ये प्लेन। ये ट्राइंगल है जिसका ये बेस है और ये इसकी हाइट है और इसमें ये जो कोन का बेस है ना, ये उसकी रेडियस आर है और कोन की जो हाइट है वो एच है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है, कोन के अंदर बिल्कुल ये आपको जो रेखा दिख रही है ना, ये इसका वर्टेक्स है शीर्ष से कोन का ओ, और ये जो बेस है ना उसका सेंटर है सी। तो ये जो ओ सी है ये लाइन ऑफ सिमेट्री है और सी जी हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री पर होती है। ये सॉलिड है, ये इट इज नॉट हॉलो, सॉलिड है ये, इसकी सी जी यहाँ होती है। और ये आपको याद रखना चाहिए ये डिस्टेंस जो होती है बेस से एच बाई फोर होती है, इसको आप याद रखें। ठोस शंकु सॉलिड कोन की सी जी बेस से एच बाई फोर हाइट पर होती है और एच उसकी टोटल हाइट है। वही अगर ट्राइंगल की बात करें तो इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। भाई ट्राइंगल जरूर ही ऐसा हो, ट्राइंगल तो ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ ये बेस है और ये ट्राइंगल की हाइट है। तो ट्राइंगल की सीजी जो होती है ना वो बेस से एच बाई थ्री यानी हाइट के वन थर्ड पे होती है। मैं ज्यादा डीप में भी नहीं जाऊंगा इसके अंदर कि कहाँ और कैसे, लेकिन इसकी जो तीन मीडियन होती है माध्यिका है, जैसे ये भुजा है ना ये वाली, इसका मिड पॉइंट, ये जो भुजा है इसका मिड पॉइंट लेके इससे मिला दें और ये जो साइड है इसका मिड पॉइंट इससे मिला दें, ये तीनों मीडियन जहां मिलती हैं वो सीजी होता है ट्राइंगल में। और इसकी जो हाइट होती है बेस से वो एच बाई थ्री होती है। तो क्वेश्चन तो मैंने एक ही सॉल्व किया है कोन का, लेकिन आंसर मैंने आपको बहुत सारे दे दिए। तो ये मैंने शुरुआती जो दो क्वेश्चन आए थे इस चैप्टर के वो दोनों आपको समझा के बता दिए। आगे चलते हैं। गुरुत्व केंद्र को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आया था तीन नंबर का, ये था पेपर में क्वेश्चन नंबर आठ। पेपर में क्वेश्चन नंबर आठ ये देखिएगा, गुरुत्व केंद्र को परिभाषित कीजिए, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब कभी ऐसे प्रश्न आते हैं तो इसका ऐसे प्रश्न को उत्तर बहुत ही ध्यान से देना चाहिए, शब्दों की सीमा होनी चाहिए। ये कह रखा है इसके अंदर, आप अगर ध्यान दें ये देखिएगा कि सेक्शन बी के आठ प्रश्नों में से छह के उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न तीन अंक का है, इनका उत्तर पांच लाइन या पचास शब्दों में देना चाहिए, ठीक है ना। हाउ टू आंसर इन विद इन फाइव लाइन्स और फिफ्टी वर्ड्स। तो जितना कम लेकिन आंसर होना चाहिए इफेक्टिव। इसका मतलब ये नहीं है कि वो
पांच लाइन है तो पांच लाइन से कम नहीं हो सकता, अरबी पांच से कुछ कम, साढ़े तीन चार लाइन भी हो सकती है, साढ़े चार भी हो सकती है, पांच से कुछ आधी, साढ़े पांच छह भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उस आंसर के लिए कोई चार पेज भर दें, मीनिंगलेस है, नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैंने बहुत इफेक्टिव वे में इसका आंसर देने की कोशिश की है, आप अगर याद रखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। किसकी परिभाषा? गुरुत्व केंद्र की सीजी जो होती है, गुरुत्व केंद्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल ग्रेविटी। किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र पिंड में अथवा पिंड के बाहर स्थित वह एकमात्र वह स्थिर काल्पनिक बिंदु होता है जिस पर उस पिंड का संपूर्ण भार केंद्रित होता है। ये इसकी सबसे ज्यादा प्रभावी परिभाषा है। इसमें बहुत सारी बातें आ गई, बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें आ गई इंग्लिश में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सीजी इज दैट यूनिक फिक्स्ड एंड एन इमेजिनरी पॉइंट सिचुएटेड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड। जो सीजी होती है वो किसी बॉडी के अंदर होना जरूरी नहीं है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है। अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो, ये जैसे ये आप देख रहे हैं एंगल सेक्शन है, सीजी तो यहाँ है जो कि एंगल के स्थित नहीं है, एंगल के बाहर है, तो बाहर भी हो सकती है, एंगल के मतलब बॉडी के अंदर भी हो सकती है, बॉडी के बाहर भी हो सकती है। और जहां होती है ना उस जगह पे उसका सारा वेट या मास या जो भी उसका एरिया जो भी हम कंसिडर करते हैं वो वहां पे कंसंट्रेट करता है। फिर याद कीजिए इसको, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट यूनिक, यूनिक का मतलब जिसके अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता, फिक्स यानी कि अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, इमेजिनरी यानी ये कोई बिंदु ऐसा नहीं होता जो आपको दिख रहा हो, ये कल्पना वाला है, हम केवल इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे सीजी होती है, कोई ये मार्क्ड पॉइंट नहीं होता है, ये इमेजिनरी पॉइंट है, काल्पनिक बिंदु है, सिचुएटेड इनसाइड और आउटसाइड जो कि उस बॉडी के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है, एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी इज कंसेंट्रेटेड, जहां पर उस पिंड का संपूर्ण भार संकेंद्रित होता है। ये आप याद कर ले, मैंने बहुत ही स्पष्ट बहुत ही सरल भाषा में ये परिभाषा लिखी है, ऐसी भाषा जो आपको किसी भी पुस्तक में नहीं मिलेगी लेकिन मोस्ट इफेक्टिव है। अगला देखिए आप, चौथा क्वेश्चन, ये आठ नंबर का है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिएगा। चित्र में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं भाई और बहुत सरल होते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को दो विधियों से किया है, दो मेथड से किया है, आंसर सबसे एक ही आएगा। चित्र में दिखाई गई आकृति का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करो। Determine the center of gravity of the strip shown in the figure below. अभी आपको देखना है कि ये एक F shape है, F. तो ये 80 mm में क्या लिखा हुआ है? All dimensions are in mm. ऐसा लिखा हुआ था, All dimensions are in mm. तो बार बार आपको mm लिखने की जरूरत नहीं है। ये 80 है, ये 90 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 40 है। अब देखिए अगर ये पूरा 90 है ये कितना हो जाएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए क्यों, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिए ये 10 है, ये 40 है, कितना हो गया 10 और 40 50, और ये 10 है 60, कितना बचेगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये फिगर मैंने आपके सामने बना दिया है, हमें इसकी सीजी निकालनी है। तो सीजी निकालने के लिए क्या होता है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। कोई भी शेप हो, जैसे अभी हमारी ये एफ शेप है जो भी हम सवाल कर रहे हैं इस प्रकार का, ये अब इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, देयर इज नो एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, या कह सकते कोई सममिति अक्ष नहीं है, देयर इज नो एनी सिमेट्रिक एक्सिस। लेकिन सीजी तो कहीं कहीं है, हम क्या करते हैं कि दो रेफरेंस लाइन लेते हैं,
क्या लेते हैं, दो रेफरेंस लाइन, उसको बोलते हैं संदर्भ रेखाएं। एक तो लेते हैं लेफ्ट मोस्ट, हमेशा ध्यान रखना लेफ्ट मोस्ट, और एक लेते हैं बॉटम मोस्ट। हम इन दो संदर्भ रेखाओं से सीजी की दूरी ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। अब देखिएगा ये पोर्शन किधर भारी है किधर हल्का है। देखो लेफ्ट साइड के अंदर ये है, राइट भी देखो काफी बाहर निकला हुआ है, कुछ पक्के तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन हाँ यू अगर देखें हम कैसे ऊपर की तरफ भारी है नीचे कुछ हल्का है, ऊपर भारी है ये पूरी लंबाई इतनी, ये 90 है तो 90 का आधा कितना होता है 45, ये 45 कुछ ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी सीजी ऐसी कुछ, यहाँ भी कहीं कहीं तो होगी। ये सीजी हो गई इसकी, ये वाली सीजी से जो ये लाइन गुजरी हॉरिजॉन्टल, इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो गुजर इसे कहते हैं वाई एक्सिस। हमें इन दोनों एक्सिस की पोजीशन पता करनी होती है। जैसे ये एक्स एक्सिस है ना हॉरिजॉन्टल थ्रू सीजी, इसकी दूरी जो बॉटम से होती है यहां से, इसको वाई बार कहते हैं, और ये जो वाई एक्सिस है इसकी दूरी जो यहां इससे होती है इस रेफरेंस लाइन से, इसे एक्स बार कहते हैं। अच्छा ये प्लेन फिगर है, ये कोई सॉलिड नहीं है। सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है, जैसे सिलेंडर है यानी कि बेलन है, शंकु है यानी कि कोन है, स्फीयर है यानी गोला है, हेमी स्फीयर अर्धगोला है, कोई इस प्रकार के जो होते हैं उसे कहते हैं सॉलिड। ये तो प्लेन फिगर्स हैं। तो प्लेन फिगर में हम एरिया लेते हैं और सॉलिड में क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं। अब एक्स बार ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा ए एक्स अपॉन सिग्मा ए। बस सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने मैंने मान लीजिए ये जो है पूरा फिगर, इसके मैंने तीन भाग कर दिए, ये पहला ये दूसरा, तो ये पहला ये दूसरा और ये तीसरा। तो हम कह सकते हैं ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपॉन सिग्मा ए का मतलब टोटल एरिया, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये एक्स बार हो गया। अगर y बार निकालना है तो सिग्मा ए वाई अपॉन सिग्मा ए, ये हो जाएगा ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बना कैसे, चलो थोड़े समय के लिए विचार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए एक थ्योरम हुई है वर्गीकरण थ्योरम, वर्गीकरण प्रमेय, वर्गीकरण थ्योरम। ये मैं कुछ बातें आपको आपके इस क्वेश्चन के आंसर से अलावा बता रहा हूं, ताकि क्वेश्चन जब सॉल्व करें ना साथ साथ कुछ बेसिक बातें आप समझ लें। वर्गीकरण थ्योरम ये क्या कहती है कि किसी भी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट, किसी भी संदर्भित अक्ष के सापेक्ष पूरे एरिया का मोमेंट जो होता है वो उस टोटल एरिया के जितने पार्ट्स किए हैं उन पार्ट्स के जो एरियाज हैं उनके मोमेंट की सम होती है, जोड़ होती है। जैसे मान लीजिए हमने ये जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन जो रेफरेंस एक्सिस कौन सी हमारी, ये देखो ये रेफरेंस एक्सिस है और ये रेफरेंस एक्सिस है। तो ये जो संदर्भ अक्ष है इसके सापेक्ष
यानी इस लाइन के अबाउट इस पूरे एरिया का मोमेंट कैसे निकलते हैं, मोमेंट टोटल एरिया इनटू उसकी सीजी की इस रेफरेंस एक्सिस से दूरी। एरिया कितना होता है टोटल, ए पूरा एरिया ये, और दूरी कितनी है एक्स बार बराबर, यानी हमने क्या किया टोटल एरिया का मोमेंट लिया इस लाइन के अबाउट। ये किसके बराबर होगा, अलग अलग एरियाज के मोमेंट्स की सम। जैसे ये फर्स्ट एरिया है, सेकंड है, ये थर्ड है, हम ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री, यानी इस एरिया का मोमेंट, इस एरिया का मोमेंट, इस एरिया का मोमेंट, तीनों मोमेंट निकाल जोड़ दिया वो टोटल मोमेंट हो गया। अब हमको एक्स बार चाहिए, एक्स बार किसने कर देंगे, दिस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपॉन ए, ए मतलब टोटल एरिया, और टोटल एरिया जो होता है तीनों एरिया की सम होती है, इसलिए ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। सिमिलरली हम ये जो रेफरेंस एक्सिस से बॉटम वाली अगर इसके अबाउट मोमेंट लें तो टोटल एरिया इंटू वाई बार, टोटल एरिया का इस रेफरेंस एक्सिस के अबाउट मोमेंट इज इक्वल टू अलग अलग जो एरियाज है उनके इसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट का सम, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री। तो वाई बार क्या हो जाएगा, ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री अपॉन ए, ए का मतलब टोटल एरिया यानी कि ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री। अभी हमने तीन पार्ट्स किए, अगर ये पार्ट चार होते तो हम यहाँ ए फोर एक्स फोर और कर देते, यहाँ ए फोर कर देते, यहाँ ए फोर वाई फोर कर देते, नीचे ए फोर कर देते, दो होते तो दो, जितने एरिया बांटेंगे ये आपको पड़ेगा। अब एक बात जरूर ध्यान रखनी है आपको कि जिस रेफरेंस एक्सिस से, जिस संदर्भ अक्ष से एक्स बार निकालते हैं, यानी जिस रेफरेंस लाइन से सीजी की दूरी निकालते हैं ना, उसी रेफरेंस लाइन से बाकी जो तीनों या चारों जितने पार्ट्स होंगे उनकी सीजी की दूरी निकाली जाएगी। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं दो मेथड से ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए मैंने आपके लिए ये बहुत सुंदर काम कर रखा है, मैंने एक साथ दोनों, आपको एग्जाम में दोनों नहीं करना है, आपको एग्जाम में एक ही करना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए था कि आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को दो प्रकार से किया है, पहला ये है, ध्यान देखें, मैंने इस पूरे को ओपन कह दिया, इस पूरे को यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट, देखो मैंने लाइनिंग करके नहीं, देखो ये ऐसे, ये यहां से लेकर यहां तक इसको दो कह दिया है। दो कहां से शुरू होता है, यहां से लेकर यहां तक, और तीन मैंने इसको कह दिया है। तो आप जिन पार्ट्स को वन टू थ्री कहते हो ना उनके मेजरमेंट आपको पता होने चाहिए। जैसे वन नंबर ये है तो ये पूरा आपको दिख रहा है 90 बिल्कुल दे रखा, और ये 10 दे रखा आपको, देखो ये 10 दे रखा, ये फिगर आपके सामने है, ये देखिएगा दिख रहा आपको ये 90 और ये 10, तो ये 90/10 हो गया। तो ए वन कितना हो गया, देखिए ए वन, इसको मैंने वन कह दिया, इसको देखो वन कहा ना मैंने, देखिए ध्यान से, इसको मैंने वन कहा, ए वन कितना हो गया 90 × 10 यानी कि 900 mm², इसको मैंने टू कह दिया, ये वाला पोर्शन टू है, वो यहां से लेके यहां तक है। आप देखेंगे ये पूरा 80 था, लेकिन मैंने यहां से लेना है, यहां से मैंने जो नंबर दो एरिया है वो यहां से लेना है, इस जगह से ये 10 कम करना पड़ेगा, यानी कि 80 में से 10 कम कर दो 70 से, ये देखो 70 हो गया, ये 10 आपको दे रखा है। तो ए टू जो हमारा हो गया एरिया टू, 70 × 10 यानी कि 700 mm² हो गया। अब ए थ्री ये वाला, ये तो आपको 20 दे रखा है, ये तो आपको 20, और ये भी आपको 10 दे रखा है, ये देखिएगा ये 20 और ये 10, और 20 × 10 जब करेंगे तो 20 × 10 200 mm², तो तीनों एरिया आ गए। यहां देखिए मैंने कुछ और ढंग से किया है, तो आपको क्या है समझाने के लिए किया मैंने, इस सेकंड पोर्शन ने किया, इसको पूरा वन कह दिया इस एरिया को, इसको टू कह दिया यहां से लेकर यहां तक, इसको थ्री कह दिया और इसको फोर कह दिया। करने को हम ये भी कह सकते थे ये एक, ये पूरा दो
और तीन वो, लेकिन मैंने चार बाकी आपको समझाने के लिए। अब पहला इस बार ये है कितना, 80 × 10 80 × 10 800 mm². दूसरा ये वाला है, देखो यहां से लेकर यहां तक दिख रही लाइन आपको, ये 40 है, ये दे रखा आपको 40 और ये 10 दे रखा आपको, 40 × 10 400 mm². तीसरा इसको कहा मैंने, अच्छा जो बाहर निकला ना बाहर वो तो 20 है, लेकिन ये मैंने ये तीसरा जो पूरा अंदर तक लिया, यहां तक लिया है, ये आपका 10 था, ये बाहर निकला था वो 20 था, देखो है ना ये 20 दिख रहा है, वही 20 और ये 10 है, कुल कितना हो गया, 30 हो गया, ये टोटल 30 हो गया, ये देखो मैंने मार्क रखा 30 यहां से और ये 10 है, ये तो 30 × 10 300 mm². और चौथा मैंने कहा है इसको, नीचे दिख रहा कोई वाला एरिया, इतना वाला ये नंबर लगा रखा 4 मैंने, ये 30 आपको अभी समझा दे थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा दे 30 कैसे हुआ, 90 में से 10 और 40 और 10 यानी कि 10, 40, 50, 10, 60 घटा दी, 30 बच गया, ये हो गया आपके 30 × 10 30 × 10 = 300 mm². इसमें मैंने दिए गए एरिया के 3 पार्ट्स किए, इसमें मैंने 4 पार्ट्स किए, लेकिन आप जोड़ेंगे ना इन तीनों पार्ट्स को एरिया को, तो 900 और 700, 1600 और 200, 1800 mm², यहाँ जोड़ेंगे चारों को 800 और 400, 800, 400, 1200, 1300, 1500, 1800 वही आएगा, सेम आएगा, एरिया नहीं बदलेगा, एरिया वही आएगा, या A1 + A2 + A3 + A4 मिलकर 1800 mm² होगा और यह तीनों मिलकर 1800 होगा। अब बात चलती है, हमारा फॉर्मूला ये है, देखो यहाँ तीन हिस्से थे ना, यहाँ तीन पार्ट थे, तो फॉर्मूला ही हो गया एक्स बार निकालने का, A1 x1 + A2 x2 + A3 x3 / A1 + A2 + A3, वाई बार निकालने का A1 y1 + A2 y2 + A3 y3 / A1 + A2 + A3, यहाँ पर इसके अंदर भी वही फॉर्मूला एक्स बार का वाई बार, लेकिन ये चार है तो A4 x4 और यहाँ A4 y4 और हो गया। अब हम A1 A2 A3 निकाल चुके, अब क्या निकालेंगे, X1 x2 x3, यहाँ देखिए X1 x2 x3 और ये Y1 y2 y3 और यहाँ क्या निकालेंगे X1 x2 x3 x4 Y1 y2 y3 y4, कैसे देखिए जरा। मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जिस संदर्भ रेखा से, जिस रेफरेंस लाइन से x बार निकालते हैं, उसी रेफरेंस लाइन से X1 x2 x3 वगैरह की कैलकुलेशन की जाएंगी। तो हमारी संदर्भ रेखा भाई ये है, ये हमारी संदर्भ रेखा है, ये वाली, ठीक है ना, जहां से मैंने इस डिस्टेंस को x बार कहा है, इधर देखिए y बार था ना, ये जो डिस्टेंस हमारे इधर दिख रहा है, वो ये x बार कहा मैंने, इस संदर्भ रेखा से ये दूरी मैंने x बार मानी हुई है। तो x बार कहां से ली मैंने, इस लाइन से, ये जो पेन रखा है ना, इस लाइन से, ये लाइन मैं एक बार थोड़ा सा गहरा कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, ये रेफरेंस लाइन, ये वाली। अब हमें जितने भी पार्ट हमने किए ना, उनकी सीधी की दूरी इसी लाइन से निकालनी है। अच्छा ये सारे पार्ट कैसे किए, रेक्टेंगुलर, देखो ये वन भी एक रेक्टेंगल है, टू भी रेक्टेंगल है, थ्री भी रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की सीजी कहाँ होती है, मिड पॉइंट पर। ये रेक्टेंगल जैसे वन, इसकी सीजी बिल्कुल सेंटर में होगी, बीचों बीच में, जैसे 90 का आधा 45 और ये 10 का आधा 5। हमें कहाँ से नापनी है, इस लाइन से, एक्स हमेशा यू नपेगा यू और वाई यू नपेगा। तो ये कितना था 10, ये पॉइंट यहाँ से कितना हो जाएगा 10 का आधा 5, तो एक्स बार देखिएगा X1 10/2 यानी कि 5 mm, X2 ये 2 है, ये 2 है, देखो ये वाला, ये 2 है, ये वाला 2 शुरू यहां से हो रहा है, एरिया नंबर 2 यहां से शुरू हो रहा है, यहां से कितना है 70, इसका सीधी यहां आएगी 70 ज्यादा कितनी होगी 35, कहां से, यहां से 35 हुआ,
हमको तो यहां से निकालना है, क्योंकि ये हमारी संदर्भ रेखा है। ये 10 पूरा हो गया, तो 10 तो ये हो गया, क्योंकि एरिया शुरू यहां से हो रहा है, यहां से नहीं हो रहा है, जहां से शुरू होता है वहां से आधा करते हैं, तो 17 का आधा 35 और 10 जोड़ देंगे 45 हो गया। ये देखिएगा 10 प्लस 17 का आधा। अब x3 निकालते हैं, ये देखिए थर्ड पॉइंट है, ये थर्ड पार्ट है, ये देखो शुरू यहां से हो रहा है, खत्म यहां हो रहा है, जहां से शुरू होता है ना वहां से अपन आधा लेंगे। ये कितना पोर्शन है यहाँ से, 20 लंबा है, ये देखो 20 है ना, ये यहां से 20 का आधा कितना हो गया 10, 10 तो यहां से हुआ, 10 तो यहां से हुआ, हमको तो यहां से निकालना है, 10 जोड़ देंगे, ये 10 प्लस 20 का आधा, ये देखिएगा 10 प्लस 20 बटा 2 यानी कि 20 है। अब देखो यहां अगर मैं निकालूं x की दूरियां, x1 x2 x3 x4, आप जरा समझिएगा, यहां मैंने इसको 1 कहा है पूरे को, देखो पूरे को, और ये हमारी रेफरेंस लाइन है। मैं बहुत डीप में बहुत ध्यान से हर चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारी संदर्भ रेखा है, इसी लाइन से दूरी नापनी है। इस बार देखो 1-2 एरिया ना वो 80 पूरा, 80 का कितना होता है 40, यहां से कितना हो जाएगा 80 का 40, देखिए x1 80/2 40 mm, दिख रहा है 40, इसको मैंने 2 का है, तो ये 2 है ये वाला, और ये रेफरेंस लाइन है, ये 10 है, 10 का था 5, x2 इज इक्वल टू 10/2 5, x3 एक एरिया नंबर 3 जो है वो यहां से लेकर यहां तक है, ये पूरा कितना बताया था आपको मैंने 30, ये पूरा देखिए 10 और 20 30, तो ये शुरू यहां से हो रहा है, जहां से शुरू होता है वहां से आधा कर देना है, तो 30 का आधा कितना हो गया 15, देखिएगा x इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 mm, x3 बराबर 15, x4 ये जो चौथा पार्ट है ना डायरेक्ट इसी यहां होगी, ये 10 का आधा 5, तो x4 इज इक्वल टू 10/2 5। अब y निकालते हैं, y के लिए ये हमारी संदर्भ रेखा है, इट इज अवर रेफरेंस लाइन, यहां भी देखिएगा इस साइड में ये रेफरेंस लाइन है, ये तो संदर्भ रेखा जहां से y1 नापा गया ना वहीं से y1 y2 y3 वगैरह नापे जाएंगे। अब देखिएगा ध्यान से, ये पहला पोर्शन ये था, कितना का था ये 90, देखो 90 × 10 सेंटर का ही होगा, 90 का आधा कितना 45, तो y1 हो गया देखिए 90/2 45 mm, y2 ये नंबर 2 ही है, इसकी सीधी इसके बीचों बीच में आएगी, लेकिन दूरी कहां से पता करनी है, बॉटम से। अब कैसे पता करें, देखिए सेकंड पोर्शन शुरू यहां से हो रहा है इस लाइन से, तो जिस लाइन से शुरू होता है वहां से आधा करते हैं, ये 10 है ना, 10 का आधा 5, लेकिन 5 तो यहां से है, हमको तो यहां से नापना है, क्योंकि यहां से y1 नापा गया था, तो पहले क्या करेंगे यहां से लेके यहां तक नाप, और ये आप देखेंगे 80 है 80 है, कैसे ये बताओ, पूरा 90 था ये, पूरा 90 था ना ये, और ये 10 था, तो 80 हुआ नहीं हुआ, और 80 में क्या करेंगे 10 का आधा 5 जोड़ देंगे, देखिएगा y2 इक्वल टू 80 प्लस 10/2 85। या एक काम और भी कर सकते हैं अपन, हमें यहां तक आना है, हम पहले ऊपर तक चले जाते पूरा कितना 90, उसमें से 5 घटा देते हैं, या तो 90 में से 5 घटा दो या 80 में 5 जोड़ दो, 95 ही है। अब ये भी कर सकते थे 90 − 10/2 भी कर सकते थे, या 80 + 10/2 बराबर 85। y3 ये थर्ड पोर्शन है, शुरू यहां से हो रहा है, शुरू यहां से हो रहा है, जहां से शुरू होता है वहां से आधा करेंगे, ये कितना 10, तो यहां से 5 हो जाएगा, ये हमको तो यहां से नापना है, ये 30 है, 30 + 5 = 35, ये देखिए 30 + 10 = 5 = 35। अगर इसकी बात करें मान लीजिए इस हिस्से की, ये हमारा पहला पोर्शन था ये वाला, तो ये सेंटर पॉइंट यहाँ होगा, ये तो वही पहले 85 होगा 80 + 5, तो y1 देखिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 85 ही होगा, देखिए 85 ऐसे कर दो, 30 + 10 + 40 + 10/2 30
दस चालीस और चालीस, ये तीस और दस चालीस और चालीस अस्सी प्लस दस का आधा हो गया ना, दस का आधा कितना होता है पांच, या नब्बे में से दस का आधा घटा दो पीछे से आएगा सेम वाई टू। ये नंबर दो एरिया है, कितना ये फोर्टी, शुरू यहां से हो रहा है, जहां से शुरू होता है वहां से आधा करना, चालीस का आधा कितना बीस, लेकिन वो यहां से बीस है, यहां से कितना होगा तीस और दस चालीस प्लस बीस साठ, ये देखिएगा तीस प्लस दस चालीस प्लस चालीस का आधा बीस साठ वाई थ्री, ये थ्री ये एरिया, ये वाला ये एरिया शुरू यहां से होता है इस लाइन से, तो यहां से आधा कितना है दस का आधा पांच, तो यहां से पांच है ये थर्ड एरिया ना, इसकी सी जी यहां से पांच है, पर यहां से कितनी हो जाएगी तीस जोड़ देंगे, तीस प्लस पांच तीस प्लस दस बटा दो बाई फोर, मैंने इसको ये वाला पोर्शन चौथा का ये वाला और बाई फोर यहां से शुरू होकर यहां खत्म होता है, तो तीस का आधा पंद्रह, तीस बटा दो पंद्रह हो गया। तो इस तरह से मैंने आपको x1, x2, x3, इसमें x1, x2, x3, x4, इसमें y1, y2, y3, उसमें y1, y2, y3, y4 सब निकालने बता दिए। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया x बार के लिए, y बार के लिए, इसमें ये आप देख रहे होंगे मैंने निकाला है इसका एरिया फ्रॉम वन, फ्रॉम वन, वन का मतलब ये वन है, ये टू है, वो ये वन, ये वन, ये मैंने पहले ये वाला पोर्शन किया, तो एक्स बार कैसे निकला, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स ए वन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये देखो ए वन एक्स वन नौ सौ इंटू पांच, नौ सौ इंटू पांच प्लस सात सौ इंटू पैंतालीस प्लस दो सौ इंटू बीस अपॉन टोटल एरिया कितना है अठारह सौ, तो ये बाईस पॉइंट दो दो आ गया। तो वाई बार कैसे निकालेंगे, ए वन वाई वन, तो देखिए नौ सौ इंटू पैंतालीस प्लस सात सौ इंटू पिचासी एटी फाइव प्लस दो सौ इंटू पैंतीस, ये देखिए नौ सौ इंटू पैंतालीस सात सौ इंटू पिचासी दो सौ इंटू पैंतीस बटा अठारह सौ फिफ्टी नाइन पॉइंट फोर फोर एम एम। अब ये जो किया था मैंने सेकेंड तरह और करके, इसमें चार है ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू ए थ्री एक्स थ्री ए फोर एक्स फोर अपॉन टोटल एरिया, ये जब करेंगे तो ये आंसर भी 22.22 ही आएगा, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, पर यहाँ मैंने इसके चार पार्ट किए थे और यहाँ मैंने तीन ही किए, तो ऐसे ये तो मैंने समझाने की बात है, आपके परीक्षा में कोई भी सवाल आ सकता है, आप अगर ये बात समझ गए मेरी तो किसी भी तरह की समस्या आपको नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और वाई बार निकाला वो भी देखिएगा, सब वैल्यू पुट किए हमने, आप देख लेंगे वो भी 59.44 ही आया जो कि यहाँ आ रहा था। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन आठ नंबर का किया। एक क्वेश्चन और आया आपके इसी के अंदर पांचवा, ये हमारी सीक्वेंस का पांचवा ये, और पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 13 का पहला है 2022 में, क्वेश्चन नंबर 13 का पहला, ये क्वेश्चन नंबर 13 भी वैसे आठ नंबर का था, इसमें क्या था कि ये जो 13 का पहला है ये चार नंबर का है और जो 13 का दूसरा वो मशीन वाला क्वेश्चन दे दिया यूनिट पांच का वो चार नंबर का, ये आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे दिया फोर मार्क्स का। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट है 2022 में आया और ये चार नंबर का क्वेश्चन है, ये लिखना भूल गया यहाँ पे, इस क्वेश्चन नंबर है चार, फोर मार्क्स का। यहाँ आपको ये एक चैनल सेक्शन दिया है, इसे कहते हैं नाली खंड, देखिए इसकी टोटल डेप्थ कितनी है 400 mm, ये कितनी है 100, ये कितनी है 100, ये 14, ये 14, ये 14। अब आप देखो ध्यान से, अगर चैनल सेक्शन की ये लाइन ऑफ सिमेट्री है यानी सीजी इस लाइन पर ही होगी, अब कहाँ होगी वो अनुमान लगाना पड़ेगा आपको, होगी इस लाइन पर क्योंकि ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, अब यहाँ होगी यहाँ होगी यहाँ होगी, देखेंगे अब इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है नहीं, लेकिन आप देख रहे होंगे ना
ये वाला पोर्शन, जैसे मान लो ये कोई मैंने पेन रखा, तो ये इधर वाला पोर्शन भारी है, उधर हल्का है, तो जिधर पोर्शन भारी होता है सीजी उधर शिफ्ट हो जाती है। ये दूरी कितनी है यहाँ पे, 100, 100 का आधा कितना होता है 50, 50 यहाँ होता है सीजी, 50 से भी कुछ इधर होगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि सीजी यहाँ कहीं होगी, यहाँ इस लाइन पर, ये यहाँ हो जाएगी। यानी अगर मैं एक्स बार निकालूंगा ना एक्स बार, तो 50 से कम आएगा, और वाई बार निकालने की जरूरत नहीं है कि वाई बार तो एग्जैक्टली 400 आधा कितना 200 आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, लाइन में सिमेट्री है। जब सीजी इस लाइन पर ही आ रही है, ये लाइन इसके ठीक सेंटर में है, तो सीजी कहाँ होगी, यहाँ से देखे तो 400 का था 200, भी मैंने यहाँ लिख दिया, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। पहले तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये सीजी है, देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, ड्यू टू सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, ड्यू टू सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, वाई बार तुम सीधे ही कर देंगे 400 का आधा 200 में, निकालने की जरूरत नहीं है। भाई ये टोटल कितनी है डेप्थ इसकी, 400 है, 400 mm, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो बीचों बीच में होगी 400 का आधा 200, वाई बार आ गई 200 mm। आपको कोई जरूरत नहीं वाई बार निकालने की, अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 200 ही आएगी, वो समय खराब नहीं करना है, ये लिख देना, ड्यू टू सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस वाई बार इक्वल टू 200 mm। नाउ एक्स बार, एक्स बार के लिए मैंने इसको तीन भागों में बांट दिया फिगर को, एक भाग देखो मैंने मार कर रखा ये वाला पूरा ले लिया पूरा, देखिए मैंने लाइनिंग कर रखी, नहीं देखो ये देखो लाइनिंग कर रखी ऐसी, यानी ये वाला रेक्टेंगल ये पूरा कंप्लीट, आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक ये इतना और ये पूरा, और ये दूसरा एरिया और ये तीसरा एरिया। अच्छा दूसरा तीसरा सिमिलर है बिल्कुल, A1 कितना होगा पूरा, कितना है टॉप टू बॉटम, कितना है 400 mm, और ये कितना दे रहेगा आपको 14 mm, A1 कितना हो गया, A1 हो गया आपका ये देखिए 400 × 14, 400 × 14 बराबर 5600 mm स्क्वायर। अब A2 और A3 बराबर होंगे और कितने होंगे देखिएगा, ये आपको टोटल 100 दे रखा था, ये दिस टोटल 100 यहां से लेकर यहां तक, और ये 14 है तो बताओ ये कितना बच गया, 86 भाग नहीं हुआ। अभी हमने एरिया नंबर 2 यहां से शुरू किया, यहां से लेके यहां तक, तो हमें इतना चाहिएगा, ये लाइन चाहिए हमको, टोटल 100 थी, ये 14 है, ये कितनी बचेगी 100 − 14 86 mm, और ये कितनी 14 दे रखी है आपको, नंबर 2 एरिया क्या हो गया 86 × 14, 86 × 14 1204 mm स्क्वायर, और जो A2 है वही सेम, A3 वही है, नो चेंज। अब देखिएगा X1 X2 X3, देखिए ये हमारी रेफरेंस लाइन है, इट इज अवर रेफरेंस लाइन, ये संदर्भ रेखा है, और संदर्भ रेखा से सीजी की दूरी नापी, मैंने एक्स बार कह दिया इसको, जहां से एक्स बार नापते हैं इस लाइन से, वहीं से X1 X2 X3 नापे जाएंगे, X1 यानी कि ये जो संदर्भ रेखा है रेफरेंस लाइन, ये नंबर 1 एरिया, इसकी ये विड्थ कितनी है 14, तो यहां से कितनी हो जाएगी 14 का आधी कितनी 7 × 7, देखिए ध्यान से मैंने लिखा हुआ यहाँ पे X1 इज इक्वल टू 14/2 यानी कि 7 mm। अब X2 X3 बराबर होंगे क्योंकि सिमेट्री है ना, ये यहाँ से देखो जैसा ऊपर एरिया है वैसे नहीं चाहिए, ये कितना है 86 × 14, अरे हमें दूरी चाहिए यहाँ से, ये नंबर 2 एरिया शुरू यहाँ से हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, जहां से शुरू होता है वहां से आधा लेंगे, 86 का आधा लेंगे तो 43, लेकिन 43 यहाँ से हुआ, हमें यहाँ से चाहिए, 14 जोड़ देंगे तो 14 + 43, ये देखिएगा 14 + 86/2 = 43, 43 + 14 = 57 mm हो गया, जो X2 है वही X3, क्योंकि सेम इसका भी वो होगा 14 + 86 का था। अब तो आपके पास X1 है, X2 है, X3 है, A1 है, A2 है, A3 है, टोटल एरिया भी 8008 हो जाएगा, A1 + A2 + A3, तो हमारा फॉर्मूला ये रहा X बार का,
ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपॉन ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, सब आप निकाल चुके हैं। देखा आंसर आ गया 22.03 mm। वाई बार निकालने की जरूरत ही नहीं है, वाई बार तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, सीधा ही 400 का आधा 200 लिख दिया हमने यहाँ पे। वैसे आप अगर निकालेंगे ना तो 200 ही आएगा। चलो आपके लिए छोटा सा काम करते हैं, एक काम करते हैं हम वाई बार निकालते हैं। चलो फॉर्मूले से ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री अपॉन टोटल एरिया। देखिएगा ए वन कितना है, ए वन था हमारे 5600, वाई वन कितना आएगा देखिएगा, इवन एरिया है ना, पूरा कितना है, लंबाई पूरी कितनी यहां से 400 सीधी आएगी, तो यहां से ये हमारी रेफरेंस लाइन होती है बॉटम, तो ये वाई वन कितना हो जाएगा, 400 वाला कितना होता है 200 इंटू 200 कर दो प्लस ए टू, ए टू कितना है, हालांकि आपको ऐसा करना नहीं है, आप सीधा लिखना ड्यू टू लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझाने के लिए कर रहा हूं, आपके दिमाग में बैठ जाए। ए टू, ए टू हमारा था इसके अंदर 1204, तो 1204 इंटू वाई टू। अब देखिए वाई टू ये नंबर दो है ना, चीजें आएगी लेकिन नाप नहीं, यहां से कितनी होगी ये देखो, पूरी कितनी है ये 400 है कि नहीं है, पूरी 400 है, उसमें से 7 कम कर दो क्योंकि ये मिड पॉइंट है, हमें यहां तक जाना था, हमें शुरू करना है बॉटम से, यहां से लेके यहां तक जाना है, हम पहले ऊपर तक चले गए 400 तक चले गए, उसमें से 14 का 7 कम कर दिया, तो 400 में से 7 कम कर दो, 400 में से अगर आप 7 कम करेंगे तो ये 393 आएगा प्लस ए थ्री 1204 ही है, ये 1204 है ना, इसे ए टू ए थ्री बराबर है। अब इसकी सीधी यहां होगी, ये दूरी कितनी है, ये 7 ही है, देखो ये हमारी रेफरेंस लाइन है, तो 14 7 इंटू 7 हो जाएगा यहाँ पे अपॉन टोटल एरिया, टोटल एरिया निकाल चुका हूँ 8008। अब आप इसको सॉल्व करके देख लेना, वो 200 आएगा, हम करके बताते हैं, देखिए हम करके बताते हैं। हाँ 5600 इंटू 200 प्लस 1204 इंटू 393 प्लस 1204 इंटू 7 इज इक्वल टू बटा 8008 इज इक्वल टू, देखिए 200 आएंगे नहीं आया। तो अगर हम इतना लंबा चौड़ा करेंगे कैलकुलेशन तभी 200 आना है, हमने सीधा लिख दिया यहाँ पे, तो ये इसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अब निकालोगे तो ऐसा नहीं नंबर कट जाएंगे, लेकिन वो उसका परीक्षक पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो पता ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, वी नो दैट इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर में होगी ना ये 200 400 200 जो होता है, तो ड्यू टू सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस वाई बार इक्वल टू डायरेक्टली 400/2 200 कर दिया। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अगर ध्यान से देख रहे हो जो मैंने आपको समझाया है, ये तो एग्जाम के क्वेश्चन कर रहा हूँ, पेपर बहुत आसान था, इस आसान पेपर में भी हजारों बच्चों की बैग आई है। अगर क्वेश्चन मुश्किल हो गया तो क्या होगा, आप कल्पना लगाइए, कल्पना कीजिए। आप मेरी अगर क्लास ज्वाइन करते हैं, ये मेरा YouTube चैनल है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास, मैं मात्र 600 रुपए के अंदर ओनली ₹599 और 600 दो सब्जेक्ट ले रहा हूँ, 2001 मैथ सेकंड और 2005 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, फ्यूचर में अगर मैं कोई कोर्स मेरा आप ज्वाइन करते हैं, मैं कई कोर्सेज लिया करता हूँ डिप्लोमा के, पोलिटेक्निक कॉलेज के, तो वो आधे फीस में, अगर फीस हमारी 1000 है तो 500 में, 2000 है तो 1000 में,
4000 से 2000 में, हम जब आपको फ्यूचर में बड़े मुश्किल सब्जेक्ट कराएंगे, डिजाइन के कराएंगे, जो कि 10,000 में भी कहीं इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलते हैं, हम जो कराएंगे आपको वो बहुत कम में करवाएंगे, और हम एग्जाम तक बच्चों का साथ ही छोड़ते हैं, एग्जाम की पहले की रात तक करते हैं, हम एक ऑनलाइन पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड वीडियो की मदद से, और एक ऐप टीचमेंट ऐप की सहायता से पढ़ाते हैं, और जो बच्चे हमसे पढ़ते हैं हम उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं, और कम से कम फीस के अंदर जो आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिल सकता है वो हमारे अलावा कहीं से नहीं मिल सकता। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9521663064। आप फोन ना करें, फोन अटेंड नहीं कर पाता मैं, व्हाट्सएप करें, अपना पूरा परिचय दें, कौन सी कॉलेज की है, क्या ब्रांच है, फिर मैं आपको आगे रिप्लाई करूंगा। और वैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, आप ढूंढेंगे ना कोड नंबर 2001 2005 से जब ढूंढेंगे तो आपको बहुत अच्छे वीडियो मिलेंगे, और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम हो तो आपकी बिना फीस की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, अगर आप मुझे आप कॉल करेंगे मैसेज करेंगे समय निकालने का, समय होने पर मैं गारंटी नहीं कहता कि सॉल्व करूंगा, लेकिन समय होगा। लेकिन अगर मेरी क्लास ज्वाइन करते हैं ऑनलाइन मात्र 600 रुपये, 600 रुपये क्या होता है, पिज्जा भी नहीं आता है, और फायदा क्या, दो सब्जेक्ट में आपके A+ ग्रेड 2001 और 2005 के अंदर, और सबसे बड़ी बात फ्यूचर में मुझसे पढ़ोगे तो फीस आधी, और क्या चाहिए किसी को। आप सोचिएगा ऑफलाइन पढ़ने में 1000 रुपये खर्च होते हैं, और जितना खर्चा ट्यूशन फीस का होता है लगभग उतना रुपया पेट्रोल में खर्च होता है, फिर थकान होती है वो अलग से, और गारंटी कोई लेता नहीं है हम अच्छे नंबर लाएंगे, हम गारंटी लेते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखोगे, मेरे द्वारा बताए गए तरीके से काम करोगे तो यू विल गेट ए प्लस ग्रेड, क्योंकि सैकड़ों बच्चे ला चुके हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और आप आमंत्रित हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ऐसा मत समझा कि फीस नहीं होगी तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप अगर कोई सवाल पूछना चाहते इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब दूं, वो बिना फीस के होगा। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।